गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी थर्ड ईयर की, वो बॉटनी की रहेगी और टॉपिक उसमें रहेगा आपका ग्रोथ कर्व्स। ठीक है, जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, नेक्स्ट हमने पढ़ा था नेटलिटी एंड मॉर्टिलिटी, जन्म दर एंड मृत्यु दर। एंड आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वृद्धि वक्र रहेगा। वृद्धि वक्र मतलब ग्रोथ कर्व्स, मतलब किस प्रकार से वृद्धि होती है, किस प्रकार से अप होती है, कब डाउन होती है, उनको हम ये आपके जो ग्राफ्स हैं उनके द्वारा भी हम समझ सकते हैं वृद्धि वक्र, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ कर्व्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो पारिस्थितिकी के जो विशेषज्ञ हैं, इकोलॉजिकल जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों के अनुसार वृद्धि वक्रों को रेखान चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जो वृद्धि वक्र रहते हैं, ग्रोथ कर्व्स रहते हैं, उनको हम डायग्राम के थ्रू भी उनको प्रदर्शित कर सकते हैं, डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं, जिसमें समष्टि संख्या मतलब पॉपुलेशन नंबर के बढ़ने, इंक्रीज अथवा डिक्रीज होने को विशेष पर्यावरणीय दशाओं में, मतलब जैसे यदि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है या फिर घटती है, उसके अकॉर्डिंग वो वृद्धि वक्र जो है, वृद्धि कर्व्स जो है वो बन सकता है, ड्रॉ हो सकता है। पर्यावरणीय दशाओं में समय की इकाई अवधि को दिखाया जाता है। वृद्धि वक्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सबसे पहला यदि वृद्धि वक्र की बात करें तो वो है आपका एस आकार अथवा सिगमंड वृद्धि वक्र, इसको हम एस शेप्ड भी कहते हैं। एस से मतलब सिगमंड और कर्व्स, मतलब एस शेप्ड कह सकते हैं या फिर सिगमंड ग्रोथ कर्व्स भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें क्या था, जो सिगमंड क्योंकि इन्हें सिगमंड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर इसको क्या बोला, सिगमंड ग्रोथ कर्व्स या फिर एस शेप्ड वक्र। ठीक है, तो उन्होंने कहा समष्टि वृद्धि इस प्रकार के वक्र का अनुपालन करती है। समष्टि वृद्धि मतलब पॉपुलेशन वृद्धि जो है वो इस प्रकार के वक्र का अनुपालन करती है, जिसमें पहले समष्टि धीरे धीरे बढ़ती है और इसके बाद अधिक तीव्रता के साथ बढ़ती है। पहले देखिए आप वक्र में धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर एकदम से अचानक से बहुत तेज जो है ग्राफ में बढ़ी है। जैसे ही किंतु जैसे ही पर्यावरणीय प्रतिरोध बढ़ता है इसकी गति शीघ्र ही कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही पर्यावरण की दशाएं जो हैं वो बदलती हैं इसकी गति भी क्या हो जाती है, बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। मानव जनसंख्या में भी इसी प्रकार का पैटर्न पाया जाता है। जो मानव जनसंख्या है, हम और आप हैं, उस जनसंख्या में भी इसी प्रकार का पैटर्न जो है वो पाया जाता है। प्रयोगशाला में इस प्रकार की ग्रोथ को ईस्ट कोशिकाओं में दर्शाया जा सकता है। यदि हम प्रयोगशाला में इस प्रकार का प्रयोग करना चाहें, प्रयोगशाला में यदि हम ग्रोथ कर्व्स को देखना चाहें, तो हम या तो ईस्ट ले लें या फिर कोशिकाओं को ले लें, उसके द्वारा हम इस वृद्धि वक्र को, इस सिगमंड वक्र को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो आपका वक्र है वो है आपका जी आकार का वृद्धि वक्र। जे शेप्ड वृद्धि वक्र में क्या है, जब किसी जीवधारी का घनत्व मतलब डेंसिटी शीघ्रता के साथ वृद्धि करती है तब इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके पश्चात वृद्धि एकदम क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि पर्यावरणीय प्रतिरोध एकाएक कम या अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ये वृद्धि रुक जाती है क्योंकि जो पर्यावरण प्रभाव है इस पर एकदम से अचानक से कम या ज़्यादा होने लगता है। यह वक्र विपत्तिपूर्ण दशाओं को प्रदर्शित करता है। जो आपको दिख रहा है ये वक्र, ये क्या करता है, विपत्तिपूर्ण दशाओं मतलब ऐसी दशाओं को प्रदर्शित करता है जो विपत्तिपूर्ण हो। एक बार मैं ये आपको डायग्राम के थ्रू जो वक्र है आपका वो समझा देती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका एस का वक्र है, सिगमंड जो वक्र है आपका, उसमें उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन पहले धीरे 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 बढ़ती है। देखो पॉपुलेशन इंक्रीज कहाँ हो रही है, ऊपर की ओर होगी, जैसे जैसे वक्र ऊपर जाएगा वैसे वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ से वक्र स्टार्ट हुआ और देखो धीरे 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 गया और फिर यहाँ अचानक से बहुत तेज गया, बराबर है, और फिर यहाँ पे आगे क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, ये स्लो हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं,
जे शेप्ड, जो जे शेप्ड वृद्धि वक्र है वो क्या है, डेंसिटी मतलब घनत्व के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है, घनत्व पर कार्य करता है। जैसे घनत्व शीघ्रता के साथ वृद्धि करता है तब इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। इसके पश्चात वृद्धि एकदम रुक जाती है क्योंकि पर्यावरणीय दशाएं एकाएक क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है एकेट्स एंड इकोटाइप, व्हाट इज एकेट्स एंड इकोटाइप, ठीक है। अगर हम ये पूरा पढ़ लेंगे तो ये हमारा जो टॉपिक था वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एकेट्स एंड इकोटाइप के बारे में चर्चा करेंगे।